हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप भी अपने पोको के फ़ोन में ऐप लॉक पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। दोस्तों आप ऐप लॉक पासवर्ड आगे भूल गए तो आप क्या कर सकते हो, आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ। दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करें फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे और दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है ऐप सेटिंग पे। दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप लॉक दिख जाएगा, आपको ऐप लॉक पे क्लिक करना। और दोस्तों अपने ऐप लॉक पासवर्ड आप लगा के भूल गए हो, आपको नहीं याद है, तो आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर से तो मैंने काफ़ी बार ट्राई करा, जो मेरा पासवर्ड है यहाँ पे ही अनलॉक नहीं हो रहा कुछ भी। देख सकते हो यहाँ पर मैंने पासवर्ड को ट्राई कर रहा हूँ, मैं भूल चुका हूँ पासवर्ड। और अगर आप भी भूल गए तो क्या कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो उस वाले ऐप पर क्लिक करो जो जो आपके फ़ोन में लॉक है। एग्जाम्पल दोस्तों मेरे फ़ोन में ये फाइल लॉक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको अनलॉक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा पासवर्ड। और दोस्तों यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, आप देख सकते हो। अगर आप ये वाला पासवर्ड यूज़ कर रहे हो तो शायद यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, इसकी वजह से, पासवर्ड की वजह से। आप काफ़ी बार ट्राई करोगे तो शायद यहाँ पर आपको दिख जाएगा फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पर अब आ चुका है। तो अब आपको फॉरगेट पासवर्ड पर ही क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा अटेंशन, तो आपको राइट साइड क्लिक करना है इस ब्लू वाले पे, गॉट पे, इस पर क्लिक कर दे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपको अपने फ़ोन का इरेज ऑल डाटा करना पड़ेगा, तब आप ऐप लॉक को अनलॉक कर सकते हो। आपका जो ऐप लॉक पासवर्ड है वो फॉरगेट हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, पर आपको अपना सब कुछ यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा फ़ोन। और दोस्तों इरेज करने के बाद ही आपका ऐप लॉक अनलॉक होएगा, और जो जो ऐप लॉक कर रहे हैं वो तब भी अनलॉक होंगे। बट आपको जो भी इसमें गूगल अकाउंट ऐड होगा, कॉन्टैक्ट है, फोटोज़, वीडियोज़, ऐप्स, बैकअप सेटिंग और दोस्तों जो भी आपका अदर यूज़र डाटा है वो सब कुछ सब डिलीट, तब आप ऐप लॉक को अनलॉक कर सकते हो। और जो जो ऐप लॉक है आप उनको अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इरेज नहीं करना चाहते, आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको हर फ़ोन में सेटिंग देखने को नहीं मिलेगी, कुछ ही फ़ोनों में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि रेडमी फ़ोन, पोको और शिओमी फ़ोन। आपको डुअल ऐप दिख रहा होगा, आपको डुअल ऐप पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपके जो जो डुअल ऐप यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं आप उनको राइट साइड से इनेबल कर लो। एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर फाइल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, और शेयरमी ऐप अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा तो काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर आप इसको ऑन कर लो शेयरमी ऐप को, और दोस्तों यहाँ पर आप और भी इनको इनेबल कर सकते हो और करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी एग्जांपल के लिए आपको शेयरमी और ये बता रहा हूँ फाइल ऐप। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो शेयरमी ऐप जो कि पहले ये लॉक है, मैं फाइल ट्रांसफ़र वगैरह तो कर ही नहीं सकता अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को बचाने के लिए। तो दोस्तों जो डुअल शेयरमी ऐप है इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इसको परमिशन दे देनी है, अग्री पे क्लिक करके वाइल यूजिंग दिस ऐप, फिर लोकेशन के लिए आएगा, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दो वाइल यूजिंग द ऐप और अलाउ। अलाउ करते दोस्तों सबसे पहले आप क्लिक करो सेंड वाले ऑप्शन पे, आपकी फोटोज़ वीडियोज़ ओपन हो जाएगी, आपका जो भी डाटा है, डॉक्यूमेंट्स, फाइल है, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, म्यूजिक है, आपका जो भी डाटा है पहले आप इसको फाइल ट्रांसफ़र कर लो ईजिली फटाफट से। और फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपके फ़ोन में शेयरमी ऐप नहीं है तो दोस्तों आप फाइल ऐप तो यूज़ कर ही रहोगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे तो ये वाली फाइल लॉक है, मैं फोटो वीडियोस को चेक नहीं कर सकता, बट मैं डुअल वाली फाइल को इनेबल कर सकता हूँ। और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर देना, यहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ वीडियोस ओपन हो जाएगी। आपके फ़ोन की जो भी फोटोज़ वीडियोज़ है दोस्तों कुछ डिलीट नहीं है अभी, आपके फ़ोन में जितनी फोटोज़ है, जितनी फोटोज, आपका जो भी डाटा है यहाँ पर शो हो जाएगा। नियर बाई डिवाइस पर क्लिक करके आप इसको सेंड कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे ही आप सेंड कर लेते हो फिर दोस्तों आप ईजिली आप अपने इसका फैक्ट्री रीसेट कर देना। दोस्तों यही एक रास्ता, आप डुअल ऐप को इनेबल करके आप कुछ कुछ ही ऐप यूज़ कर सकते हो, सारे तो नहीं कर सकते बट कुछ कुछ ऐप आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप ऐप लॉक पासवर्ड बनाओ या स्क्रीन लॉक पासवर्ड सेट करो, आपको अपना पासवर्ड याद रखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था। और मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही बताता हूँ, जब पासवर्ड लगाना मैं आपको बताता हूँ कि अपने पासवर्ड को याद रखो, बिल्कुल गलती मत करो। और दोस्तों एक खास बात, अगर आप एम आई अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों आप बच सकते हो, आप अपना एम आई अकाउंट यहाँ पे इंटर करके रीसेट कर सकते हो, बट मेरे फ़ोन में एम आई अकाउंट भी नहीं है। दोस्तों फिर तो एक ही रास्ता, या तो हम इसका फैक्ट्री रीसेट कर दें, या तो फिर दोस्तों आप डुअल ऐप में, यहाँ पे जो ऐप डुअल दिखा रहे हैं आप उन्हीं को ही यूज़ कर सकते हो बस। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नए स्टूडियो में, तब तक नमस्कार। दोस्तों कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों पोको फ़ोन की सेटिंग को लेके आप कमेंट में पूछ सकते हो। और दोस्तों अब जब भी आप अपने फ़ोन में ऐप लॉक स्टार्ट करो या स्क्रीन लॉक, तो आपको अपना पासवर्ड याद रखना है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नए स्टूडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।
और दोस्तों अगर फैक्ट्री रिसेट करना चाहते हो, वीडियो नहीं पता फैक्ट्री रिसेट कैसे कर सकते, आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। बाय।